अस्सलाम वालेकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑनर 9X के बारे में, आप लोगों को इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन और पाकिस्तान में कब तक आ जाएगा, मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कब तक है ये पाकिस्तान में आने वाला है, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो यार अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑनर 9X के बारे में, अब ऑनर 9X प्रो के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, अभी मैं आप लोगों को ऑनर 9X के बारे में बताने वाला हूँ। अब अगर हम लोग बात करें ऑनर 9X के बारे में तो शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। इसमें हमारे को तीन वेरियंट प्रोवाइड किए हैं ऑनर ने। एक मिल रहा है 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज जिसकी प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 35,000 रुपये, और एक मिल रहा है 6 GB RAM 64 GB स्टोरेज जिसकी प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 40,000 रुपये, और एक मिल रहा है 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज जिसकी प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 45,000 रुपये। अब 6 GB 64 GB और 6 GB 128 GB में हमारे को UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिली है। और अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करें ना, तो इसमें हमारे को 6.59 इंच की FHD+ डिस्प्ले देखने को मिली है। अब IPS LCD डिस्प्ले और यार 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशो भी हमारे को देखने को मिला है। और यार ये जो डिस्प्ले है ये फुल व्यू डिस्प्ले और नॉचलेस डिस्प्ले हमारे को देखने को मिली है। और प्रोटेक्शन की बात करें ना, तो इसमें हमारे को यार अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि इसमें हमारे को प्रोटेक्शन देखने को भी मिलती है या नहीं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की। और अगर हम लोग ऑनर 9X की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें हमारे को किरण 810 प्रोसेसर देखने को मिला है जो कि यार 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और इसमें हमारे को माली का G52 GPU देखने को मिला है। और अगर हम लोग देखें ना, तो ये जो प्रोसेसर है ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर और काफी अच्छा प्रोसेसर है यार। और परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें ना, तो ऑनर 9X की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। और आप लोगों को इसमें बैक में दो सेंसर देखने को मिलते हैं। एक मिलता है 48 MP का सेंसर जिसका अपर्चर है F1.8 जो कि यार सोनी IMX586 वाला सेंसर है, और एक आप लोगों को मिल रहा है 2 MP का सेंसर जो कि आप लोगों का डेप्थ सेंसर है। और फ्रंट में आप लोगों को पॉप आउट सेंसर देखने को मिला है जो कि 16 MP का है जिसका अपर्चर आप लोगों को F2.2 देखने को मिला है। और अगर हम लोग देखें ना, तो इसमें हमारे को 4000 mAh की बैटरी भी प्रोवाइड की गई है जिसके साथ आप लोगों को इसमें टाइप सी जैक भी देखने को मिला है। और अगर हम लोग देखें ना, तो यार इसमें हमारे को फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। और अगर हम लोग बात करें साथ ही इसके OS की, तो OS हमारे को एंड्रॉइड 9 पाया देखने को मिला है जो कि EMUI 9 पर बेस्ड है। और यार वैसे आप लोगों को इसमें 3.5 mm जैक भी प्रोवाइड किया गया है, और आप लोगों को इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला है। तो यार वो ये थी ऑनर 9X की स्पेसिफिकेशन। और अगर हम लोग लॉन्च के बारे में बात करें ना, तो यार ये सितंबर के एंड में और अक्टूबर के फर्स्ट में ये एक्सपेक्टेड है कि ये लॉन्च हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें ना, तो यार ये अपनी प्राइस में काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और अगर आप लोग मतलब ये अगर आता है तो यार किल करने वाला है परफॉर्मेंस में, तो ये बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है इस प्राइस टैग का। और आप लोग भी अपने ओपिनियन दे सकते हो ऑनर 9X के बारे में, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। तो यार मुझे लगता है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अब मैं कोशिश करूंगा ऑनर 9X की अनबॉक्सिंग करने के लिए, और अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसकी अनबॉक्सिंग भी हम जरूर करेंगे। और यार आप लोग ऐसे ही अपने सपोर्ट बनाकर रखना यार। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।